आज का हमारा नया टॉपिक है HTML। न्यू टॉपिक है हमारा, सुनो यहाँ पर, HTML, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फुल फॉर्म इसका क्या होता है नोट करते चलना, हाल क्या हाल, कॉपी पेन लेके बैठे हो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। HTML है क्या बेसिकली, हम सबसे पहले आज इसका बेसिक पढ़ेंगे कि HTML है क्या, किस तरीके से ये वर्क करता है, कैसे हमें इसको सीखना है, किस तरीके से इसकी ट्रिक्स हमें पता करनी है, ये सारी चीज़ें। तो समझो भाई, आप लोग इंटरनेट चलाते हैं, क्या चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट पे हमें क्या दिखाई देते हैं, हर इंटरनेट पर हमें कुछ पेजेस दिखाई देते हैं। जैसे कोई भी वेबसाइट आप खोलो, www.google.com या कोई भी वेबसाइट आप खोलते हैं, तो उसमें एक हमें क्या दिखाई देगा, इंटरनेट का पेज दिखाई देता है। क्लियर, जैसे एक हम वेबसाइट लेके चल रहे हैं www.google.com, थोड़ा बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को, google.com बेटा, जो ये पूरी चीज़ है, ये पूरी, इसको जिस जगह पर हम सर्च करते हैं, एक्चुअली वहाँ पर www.google.com खाली सर्च नहीं होता है, वहाँ पर एक चीज़ और लगी होती है, जहाँ पर जैसे कि ये हम सर्च कहाँ करते हैं, सर्च बार में, इस तरीके का ऊपर साइड में, जब आप कोई भी ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे, यूसी ब्राउज़र खोलेंगे, यूसी ब्राउज़र तो खैर बैन है इंडिया में, क्योंकि चाइनीज़ ऐप है यूसी ब्राउज़र, टिकटॉक वगैरह सब बैन हो चुका है बहुत टाइम पहले, शेयरइट वगैरह था, शेयरइट, यूसी और आपका ये टिकटॉक, ये सब चाइना ऐप थे, ये सब बैन हो चुके हैं। फिलहाल हम बात करेंगे क्रोम ब्राउज़र की, क्योंकि और क्रोम ब्राउज़र में जब आप इसको सर्च करेंगे, तो इसी जगह पर तो सर्च करते हैं, यहाँ पर वेबसाइट लिखते हो, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन रहता है, और यहाँ पर साइड से किसी के लिए लिखा हो सकता है गो, गो पे जाएंगे तो आपका ओके सर्च हो जाता है। इस ऑप्शन में एक हिडन चीज़ लिखी होती है, सर्च URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये URL क्या है, ये URL का मतलब यहीं पर हम सारी चीज़ें सर्च करते हैं, यहीं पर हम डालते हैं, कोई चीज़ हमें सर्च करना है, ये फार्म, वो फार्म, पेट एग्ज़ाम सिलेबस, पेट एग्ज़ाम रिजल्ट, ठीक है, तो ये सब URL वगैरह यहीं पर। तो URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या फॉर्म फुलवाम होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का। ये एक वेबसाइट है, ठीक है, अभी ये क्या है, एक इसको हम बोलेंगे www.google.com, ये एक वेबसाइट है, वेबसाइट, ठीक। अब इसके आगे हम कुछ कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, HTTPS, ये कभी देखा है, ये सिंबल कई जगह आपको लिखा मिलेगा। अब ये एक पूरी, एक क्या बन गया, ये एक पूरा URL क्रिएट हो गया, इसको ही हम बोलते हैं URL, या फिर एक लिंक कहते नहीं है कि फला चीज़ की हमें लिंक भेज दो। जब भी आप किसी भी चीज़ की लिंक किसी को शेयर करते होगे, तो स्टार्टिंग में ये ज़रूर आता है HTTPS। पहले कुछ समय पहले आपका यहाँ पर HTTP हुआ करता था, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है फुल फॉर्म इसका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर एस और लग गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, एस फॉर सिक्योर। सिक्योर का मतलब, पिछले समय में कुछ सिक्योरिटी रीजंस, थोड़े सिक्योरिटी वगैरह कम हुआ करती थी, क्योंकि उस समय इंडिया या वर्ल्ड इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो धीरे धीरे हैकर्स बहुत आने लगे। उस समय जब डेवलप हुए, तो उस समय हैकर वगैरह का तो सीज़न था ही नहीं,
कि भैया हैकर्स भी आएंगे। जब करेंसी बनी थी सोने और चांदी की उस समय क्या नकली सोने चांदी के नोट आते थे लोग झट से पहचान लेते, लेकिन अब कागज़ के नोट आने लगे तो आदमी के लिए नकली नोट बनाना ईजी है, उनको हैक कर लेते थे भाई, डिज़ाइनिंग को हैक कर लिया, उसी सेम टू सेम डिज़ाइन में तैयार कर लेते थे। वही चीज़ वेबसाइट्स के साथ में होने लगी, पहले वेबसाइटों में फिर जब उसमें सिक्योरिटी थोड़ी कम रही, कुछ लोगों ने हैकिंग स्टार्ट की, हैकिंग करके वेबसाइट को हैक किया, वेबसाइट से छेड़छाड़ करने लगे, कभी किसी के रिजल्ट से, कभी किसी के बैंक बैलेंस से। तब वेबसाइट ने वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ पर फिर एक नया कदम उठाया गया, उसमें क्या चीज़ ऐड की गई, एस सिक्योर, क्या चीज़ ऐड की गई, सिक्योर। इससे कुछ सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ा दिए गए जिससे कि पहले जितना आसान नहीं रहा किसी भी वेबसाइट को हैक करना, अब बहुत कठिन होता है। ठीक है, तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये आपकी पूरी वेबसाइट होती है, इसी को आप लोग URL बोलते हैं, URL, या फिर इसी को ही हम एक लिंक कह देते हैं। समझ आ गया, जब हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, जैसे कि मैं मान लो एक मैं वेबसाइट का नाम ले रहा हूँ, www.sarkaririzult.com, हम ज़्यादातर वहीं पर चेक करते हैं, sarkaririzult.com में ही सारे फार्म एग्ज़ामिनेशन कौन से आने वाले हैं, क्या क्या चल रहा है, फार्म अप्लाई करना है या कौन से फार्म में या कौन से किस में क्या सिलेबस है, सारा सिलेबस हर चीज़ का नोटिफिकेशन इसमें आपको डायरेक्ट मिल जाता है, UP से लेकर MP तक ऑल ओवर इंडिया के ज़्यादातर आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, कांस्टेबल भर्ती, पुलिस भर्ती जितनी भी आती है sarkaririzult.com पे आपको मिल जाएगी एक। तो वो वेबसाइट को जब आप खोलते हो तो आपको सबसे पहले एक पहला पेज मिलेगा जिस पेज में आपको पूरी वेबसाइट की जितनी भी जहाँ जहाँ जाना है, पूरी वेबसाइट में जितने भी ऑप्शन है, जितनी भी जगह है, हर एक जगह का एक लिंक होता है, जैसे कि फेसबुक पहले पेज में आपको जाओगे, होम पे क्लिक करोगे तो आपका फीड से होम पे जैसे क्लिक करते हो तो आपकी पोस्ट वगैरह आने लगती है फ्रेंड्स की, चैट ऑप्शन में क्लिक करते हो तो चैट में पहुंच जाते हो, नोटिफिकेशन में क्लिक करते हो तो फेसबुक के नोटिफिकेशन आने लगते हैं। तो पहले ही पेज में सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, पहले पेज में हर एक चीज़ का, उन जिस जगह पर आप क्लिक करते हैं एक्चुअल में वो चीज़ कहलाती है हाइपर लिंक। क्या कहलाती है वो, हाइपर लिंक कहलाती है। जैसे आप वेबसाइट खोली उसमें सब कुछ तो ब्लैक कलर से लिखा होगा लेकिन कुछ वर्ड्स नीले कलर से लिखे होते हैं, किस कलर से, नीले कलर से। अब नीले कलर से लिखे होने का मतलब कि वहाँ पर हम क्लिक करके या टच करके हम एक नई वेबसाइट खोल सकते हैं ना, तो उसी चीज़ों को बोलते हैं क्या, हाइपर लिंक। मतलब कि जब हम किसी दूसरे पेज को एक लिंक के थ्रू अटैच करके हम एक जगह रख देते हैं तो वो हाइपरलिंक कहलाता है। हाइपरलिंक आपको ब्लू कलर से हाइलाइटेड मिलेगा। भाई आपने नोटिस किया होगा ना ये चीज़ कि कोई वेबसाइट खोली, वेबसाइट खुलने के बाद सबसे पहला पेज उसका जो दिखाई देता है उस पेज को, मतलब कि यहाँ पर लिख देते हैं वेबसाइट का फर्स्ट पेज को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पेज को हम बोलते हैं होम पेज। क्या बोलते हैं, किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। उस वेबसाइट का पूरा लिंक एक URL या लिंक या एक वेबसाइट कहलाती है, वेबसाइट लिंक या URL, एक URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर, इसको जिस जगह पर हम सर्च करते हैं वो हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सर्च बार। क्या बोलते हैं, सर्च बार। जिस एप्लीकेशन में इन सब चीज़ों को हम चलाते हैं, जैसे कि हम क्रोम में यूज़ कर रहे हैं, UC चला रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर, ओपरा मिनी, खैर UC तो बैन है, ठीक है, वो चीज़ याद दिलाना ज़रूरी है क्योंकि भाई चाइनीज़ प्रोडक्ट टिकता नहीं है। आप गूगल क्रोम ब्राउज़र चला रहे हो, इंटरनेट ब्राउज़र चला रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र चला रहे हो, कोई भी आप चला रहे हो, तो जिन में आप इंटरनेट यूज़ करते हो, जिन एप्लीकेशन में आप इंटरनेट यूज़ करते हो, उन एप्लीकेशंस को क्या बोलते हैं हम, उन एप्लीकेशन को बोला जाता है ब्राउज़र।
क्या बोलते हैं? ब्राउज़र। जिन एप्लीकेशन में हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं वो ब्राउज़र कहलाते हैं। जिन किसी वेबसाइट का पहला पेज खुलने वाला जो होता है वो होम पेज कहलाता है, और जिस जगह पर हम सर्च करते हैं वो सर्च बार कहलाता है, ठीक है। और जहाँ पर हमें नीले कलर से कुछ दिखाई दे, नीले कलर से कुछ दिखाई दे, जहाँ पर क्लिक करने से एक नया पेज ओपन हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम? हाइपरलाइन। क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक। क्या बोलेंगे? हाइपर लिंक बोलते हैं। समझिए, तो ये आपका इंटरनेट के पेज से रिलेटेड कुछ जानकारी। अब इसमें HTML कहाँ गया? हम पढ़ रहे थे HTML, लेकिन एकदम से हम पहुँच गए कहीं और। लगा आपको ऐसा कि यार हम तो HTML पढ़ रहे थे, हम तो कहीं और ही पढ़ने लगे? ऐसा नहीं है। इंटरनेट HTML जो है वो पूरा इंटरनेट पर ही बेस्ड है। अब समझिए, आपने ब्राउज़र में www.google.com सर्च किया, या फिर रिजल्ट कोई भी एक पेज को सर्च किया, किसी वेबसाइट को सर्च किया, तो आपको एक पेज दिखाई देता है। एक पेज आपको दिखाई देगा, मतलब यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, एक पेज आपको दिखाई खुलेगा जिसका पहला पेज क्या कहलाएगा? होम पेज कहलाएगा। पहला पेज क्या कहलाएगा? होम पेज कहलाएगा। उसके बाद सारी चीज़ें जितनी भी नीचे होगी, पेज के ऊपर सेक्शन, ऊपर साइड का जो सेक्शन होता है उसको हम पेज हेडर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पेज हेडर। पेज के ऊपर साइड के, जैसे कि पेज का टाइटल सेक्शन, पेज का क्या? टाइटल सेक्शन एट्सेट्रा, तो वो हेडर है। नीचे का जो पेज का हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं क्या? बॉडी सेक्शन। क्या बोलते हैं? बॉडी सेक्शन। पेज का अपर हेड बोलते हैं, हेड सेक्शन या हेडर, तो हम चला यहाँ पर हेड बोलेंगे। पेज के ऊपर का हिस्सा क्या बोलते हैं? हेड सेक्शन होता है। और पेज का बाकी का सेक्शन क्या होता है? नीचे का बॉडी सेक्शन कहलाता है, ठीक है। अब इसमें टोटल एक तरीके से सारी चीज़, जितनी भी आप ये चीज़ें पढ़ोगे, एक लैंग्वेज की तरह होंगी, सब कोडिंग की तरह, इस तरीके से कोडिंग होती है। इनको हम बोलते हैं टैग। क्या बोलते हैं? टैग। क्या बोलेंगे यहाँ पर? यहाँ पर दो तरीके के टैग आपको यूज़ मिलेंगे, जैसे कि एक ये टैग, जैसे कि यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं बी। जब हमें अपने पेज में किसी टेक्स्ट को बोल्ड में लिखना होता, मोटा, तब हम इस तरीके से टैग स्टार्ट करते हैं। और जब हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड को स्टॉप करना होता है, तब हम इस टैग का स्टार्ट यूज़ करते हैं। मतलब कि जैसे ये मैंने लिखा I am a teacher। अब हमें अगर इस लाइन को बोल्ड में लिखना है तो हमें ये टैग स्टार्ट करना पड़ेगा कि लाइन लिखने से पहले बोल्ड टैग स्टार्ट, और लाइन लिखने के बाद बोल्ड टैग क्लोज, तब हमारा क्या स्टार्ट लिखेगा? ये लाइन हमारी बोल्ड साइज में आएगी। अगर मुझे इस लाइन को इटैलिक में लिखना है, किसमें? इटैलिक मतलब तिरछा, तब हमें इसके लिए टैग यूज़ करना पड़ेगा आई, और आई स्टार्ट और आई, आई स्टार्ट और आई क्लोज, तो हमारी ये लाइन कैसी आएगी? इटैलिक में लिख के आएगी। क्लियर? अब इसका जीता जागता उदाहरण आप लोग डेली व्हाट्सएप पे करते हो। व्हाट्सएप में कभी किसी को मैसेज किया बोल्ड करके? बोल्ड करके क्या है? व्हाट्सएप पे आप एक मैसेज टाइप करो कि हेलो, ये नॉर्मल पहुंचेगा मैसेज, ठीक। अगर एक आपने क्या लगा दी, स्टार लगा दिया, एक स्टार, फिर हेलो लिख के फिर से एक स्टार, तो ये एक बोल्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है? बोल्ड। आपने न्यूज़ वगैरह पढ़ी होगी, न्यूज़ आती रहती हैं, उसमें कुछ टेक्स्ट मोटा लिखा होता है जो हेडिंग के रूप में होती हैं, तो उनको स्टार लगा के लिखा जाता है। स्टार से क्या होता है, आपका टेक्स्ट क्या हो जाता है? बोल्ड। इस स्टार के बीच में जो भी लिखा होगा वो कैसा हो जाएगा? बोल्ड। इसी तरीके से एक सिंबल ये भी होता है। कई तरीके के सिंबल्स हैं जिनसे के जिनको डिकोड कर किया, मतलब डिकोडिंग किया गया उसमें। नेक्स्ट, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो ये हमारा टोटल HTML है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। जिस जगह पर हम सर्च करते हैं वो सर्च बार होता है, वहाँ पर आपको जो लिखा होता है सर्च URL,
यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उस जगह पर जब हम सर्च करते हैं www.google.com, जब भी हम सर्च करेंगे तो आपको हल्का सा https लिखा हुआ वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। https का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। पहले क्या था? पहले http खाली था, अब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से https और बढ़ा दिया गया, ठीक है। इसमें जो हम ये पूरी वेबसाइट जो हमारी है, यही आपकी क्या कहलाते हैं, URL, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, लिंक। किसी भी पेज का पहला पेज जब भी हम ओपन करते हैं, किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो आपकी सरकारी result.com हो, कोई भी वेबसाइट हो, उसका पहला पेज क्या कहलाता है, होम पेज। होम पेज पर हर जगह जाने के लिए एक ना एक जगह लिंक आपको दिए रहे, जैसे कि आपको कोई फॉर्म में जाना है तो उस फॉर्म में जाने के लिए उस फॉर्म पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने पर ऐसा क्या होता है कि वो नया पेज खुल जाता है, तो वो होता है क्या, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में एक नए पेज को अटैच कर दिया जाता है, जिस पर हमें क्लिक करने से नया पेज खुल जाता है। मतलब कह सकते हैं कि नीली लाइन जो जो जहाँ जहाँ पर नीली कलर से लाइन या जो हाइलाइटेड लाइन होती है, जिस पर क्लिक करने से नया पेज खुले, वो जगह क्या कहलाएगी, वो हाइपरलिंक कहलाती है। हाइपरलिंक किसे कहते हैं, एक ऐसा टेक्स्ट, एक ऐसी लाइन या एक ऐसा टेक्स्ट जिस पर हम नए पेज को क्या कर दें, नए पेज को क्या कर दें, उसमें ऐड कर दें, क्या कर दें, लिंक कर दें, जोड़ दें, तो वह आपका हाइपरलिंक कहलाता है। जिसमें जिस चीज़ जिस एप्लीकेशन में हम इंटरनेट चलाते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा इंटरनेट ब्राउज़र, जैसे कि गूगल क्रोम, ओपरा मिनी, काफ़ी सारे ब्राउज़र हैं, ठीक है, क्रोम वगैरह। उसके बाद में पेज के ऊपर साइड का सेक्शन क्या कहलाता है, उसका हेड सेक्शन कहलाता है, और पेज के नीचे साइड का सेक्शन क्या कहलाता है, बोर्ड सेक्शन कहलाता है। इसमें जितने भी आप पढ़ेंगे सारी चीज़ें इन टैग पर ही डिपेंड करती हैं। सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं, इन टैग पर, मतलब एक ये टैग और एक ये टैग, इन टैग पर डिपेंड करती हैं। जितना भी आप देखेंगे ज़्यादातर मोस्टली चीज़ें आपको अब इस टैग को पढ़ना है। जैसे कुछ टैगों टैग्स के नाम आपको बता देते हैं, जैसे पहला टैग है बेसिक, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ये। उसके बाद H1 हेडिंग, जब हम हेडिंग डालते हैं, मतलब आप देखते हैं कभी कभी कि एक पेज में कुछ वर्ड्स या जो हेडिंग है, हेडिंग जब पढ़ी है तो कुछ वर्ड्स बहुत बड़े साइज में लिखे हैं, कुछ वर्ड्स छोटे साइज में लिखे हैं, कुछ लाल कलर से लिखे हैं, कुछ नीले कलर से लिखे हैं, कुछ ऊपर लिखे हैं तो कुछ नीचे लिखे, कुछ लेफ्ट साइड में लिखे हैं तो कुछ राइट साइड में लिखे, कुछ सेंटर में लिखे हैं, तो इन सभी के क्या होते हैं, क्या होते हैं, टैग होते हैं। और उन टैग को हम इस तरीके से लिखेंगे इस लाइन में, मतलब टैग स्टार्ट और टैग क्लोज के बीच में जो भी होगा वह वो टैग उस पर अप्लाई होगा। और उसमें एक अगर किसी टैग को हम स्टार्ट करते हैं और कुछ टैग क्लोज भी होते हैं, इनको हम बोल देते हैं पेयर टैग। पेयर टैग, पेयर मतलब समझते हो, जिनका जोड़ी होती है, जोड़ा, ठीक है, इनको हम पेयर टैग बोल देते हैं। इट ए बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन H1 हेडिंग, H1 से मतलब हेडिंग 1, हेडिंग 2, H3, H4, H5, H6, ये साइज होते हैं। हेडिंग 1 मान लो तरीके से ये साइज, और H1 ये रहा साइज एक तरीके से, और H1 के हिसाब से ये साइज है H3, मतलब इतना फर्क है, इतना बड़ा और इतना छोटा। इससे थोड़ा छोटा होगा कौन सा, H2, उससे थोड़ा छोटा कौन सा, वो H3, फिर उससे थोड़ा छोटा H4, उससे थोड़ा छोटा H5, और बिल्कुल छोटा छोटा H6, ठीक है। H6 आपकी सब हेडिंग है, जैसे आपको छोटी छोटी हेडिंग डालनी है तो आप H1, H2, H6 का यूज़ करेंगे, H6 तक। अब एक चीज़ और बताएं आपको, आपने टाइप करना है, अगर इतनी चीज़ समझ में आ गई, आपको टाइप करना है, एक ऐसे टाइप करना, सपोज करो एक ऐसे निबंध टाइप करना है,
निबंध टाइप करना है क्या? नंबर एक हेडिंग डालनी है काऊ, ठीक। नंबर एक क्या होती है हेडिंग बताओ, एक वो लाइन बताओ। हाँ, काऊ इज अ पैट एनिमल। और अगली लाइन बताओ। बताओ लिली, काऊ इज अ पैट एनिमल हो गया। फिर गाय हमारी माता है, गाय के चार पैर होते हैं, गाय की एक पूंछ होती है, गाय के दो आंख होती हैं। कितना इजी है। काऊ हैज फोर लेग्स, काऊ हैज वन टेल, काऊ हैज वन नोज, काऊ हैज टू आईज। यही तो होता है, एक ही नाक होती है, सभी की होती है एक नाक, ठीक है। वो तो नाक तो सभी की, हर जानवर की होती है, और दो आंखें एक नाक, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें इस चीज़ को लिखना हो, मतलब एक इंटरनेट के पेज में, मतलब एक ऐसे पेज में लिखना हो जो हमें इस तरीके से दिखाई दे, जब हम उस चीज़ को खोलें या उस लिंक को खोलें तो हमें इस तरीके से लिखा हुआ मिले कि ये पेज हो, बीच में हेडिंग डली हो, पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, फिर पांचवी लाइन। तो जिस तरीके से आप इसको कंप्यूटर में टाइप करते हो, तो इसको आप लोग बोलते हो बुलेट्स। क्या बोलते हैं? बुलेट्स बोलते हो। बुलेट कई तरीके के होते हैं, एक दो तीन, ए बी सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसी तरीके से इसमें भी बुलेट्स होते हैं। इसमें भी बुलेट्स के लिए क्या देने होते हैं? हमें टैग देने होते हैं। फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो एक लाइन ख़त्म होने के बाद जो अगली लाइन है वो अगले लाइन से स्टार्ट हुई है। जो नेक्स्ट लाइन है वो कैसी? एंटर, मतलब अगले सेक्शन से स्टार्ट हुई है, एंटर लगा के। तो क्या हम टाइप करें कंप्यूटर में, जैसे कि यहाँ पर एक एक लाइन हम बता देते हैं यहाँ पर कि इसको हम बोल्ड कैसे करते हैं, ठीक है, और इसको नीचे कैसे लाते हैं। तो इसका होगा प्रोग्राम नंबर फर्स्ट, प्रोग्राम नंबर फर्स्ट। इतना उतार लीजिए, बगल वाला सब बगल वाला उतार लिया पूरा गला। चलो हमें मालूम है तुम लोग जो है देख देख के उतारोगे घर में। अब एडवांटेज मिल गया है, बहाना मिल गया है कि देख देख के उतार लेंगे घर पे। चलो प्रोग्राम नंबर फर्स्ट, इस पर हमारी प्रोग्राम चलेंगे। प्रोग्राम नंबर फर्स्ट, प्रोग्राम नंबर सेकंड, थर्ड, इस तरीके से काफ़ी सारे हम प्रोग्राम्स को पढ़ेंगे। प्रोग्राम नंबर फर्स्ट, सुनो बिल्कुल नहीं खोलना है, गेट तो कतई नहीं खोलना है, हमें भी लग रही है, परेशान ना हो, ठीक है। देखो सबसे पहले एक आपको प्रोग्राम याद करना पड़ेगा, एक प्रोग्राम याद करना पड़ेगा, एक प्रोग्राम याद हो जाएगा बाकी सी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। नंबर एक स्टार्ट होता है यहाँ पर किससे? स्टैक से। ये हमारा जब भी हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं या ये स्टार्ट करेंगे, और इसको हम किस पर टाइप करेंगे? कंप्यूटर का वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जिस पर हम HTML लैंग्वेज को टाइप करते हैं? उस सॉफ्टवेयर का नाम है नोटपैड। किस पर? नोटपैड। नोटपैड पर हम सारी चीज़ें टाइप करते हैं, जैसे कि आप जब फाइल बनाते हैं तो किस पर? वर्ड पर। प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो पावर पॉइंट, शीट बनाते हैं तो एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से जब हम HTML पेजेस बनाएंगे तो हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे? नोटपैड का यूज़ करेंगे। नोटपैड में सबसे पहले प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली लाइन हमारी क्या होगी? HTML।
उसके बाद होता है हेड, क्या होगा हेड, उसके बाद आएगा टाइटल कि हमें अपनी वेबसाइट को एक टाइटल देना है कि हम इसमें किस प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, तो टाइटल में हम डाल दे रहे हैं बोल्ड एंड ब्रेक। ये लाइन हमारे कहाँ चली जाएगी, टाइटल में चली जाएगी, किसमें चली जाएगी टाइटल में। अब टाइटल हमें सिर्फ इतना देना है, टाइटल हमें सिर्फ इतना देना है, तो हम क्या करेंगे, टाइटल स्टार्ट किया है तो टाइटल को हम क्या करेंगे, टाइटल को क्लोज करेंगे। ठीक उसी तरीके से जब हम जब घात में स्क्वायर लगाते हैं तो स्क्वायर स्टार्ट किया, स्क्वायर स्टार्ट किया, घात अंक की मतलब सुपर स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, घात दो लगाया और फिर तुरंत क्या कर देते हैं सुपर स्क्रिप्ट क्लोज। अगर नहीं क्लोज करते हैं तो सारी चीज़ें आपकी घात पे लिखती चली जाती। तो वही सेम इसमें है, अगर आपने टाइटल यहाँ पर स्टार्ट किया, टाइटल आपने डाल दिया, उसके बाद में जो भी तुरंत हमें क्या करना होगा, टाइटल क्लोज करना होगा, अन्यथा आपकी परेशानी में ये टाइटल जो है वो क्लोज नहीं हो पाएगा। कुछ चीज़ें टाइटल पर ही लिखी रह जाएंगी, कुछ चीज़ें आपकी पेज मतलब आधी आधी बट जाती, तो बड़ी परेशानी होगी। तो ये याद रखें, टाइटल एक कौन सा टैग है, पेयर टैग है, कौन सा पेयर टैग, मतलब स्टार्ट भी होगा और क्लोज भी करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर क्लोज कर दो, हेड क्लोज, क्या कर दिया हमने हेड, हेड स्टार्ट किया और हेड क्लोज कर दिया, मतलब हेड का मतलब हमने क्या बताया था आपको, पेज के ऊपरी हिस्सा जो होता है, समझने के लिए कॉमन सेंस के लिए, कि पेज के ऊपरी हिस्सा जो है वो हेड सेक्शन होता है। हेड सेक्शन मतलब टाइटल कहाँ होता है, हमेशा पेज के ऊपरी रहता है। तो टाइटल स्टार्ट करने से पहले हमने क्या करा, हेड स्टार्ट किया, फिर टाइटल स्टार्ट किया, टाइटल डाला, टाइटल को क्लोज कर दिया और हेड का काम खत्म हो गया हमारा, तो हेड को भी क्लोज कर दिया। अब बारी आती है बॉडी की, तो यहाँ पर फिर स्टार्ट करेंगे क्या, बॉडी, इसको स्टार्ट करेंगे, बता रहे हैं HTML का काम ये है कि ये आपके HTML पेज को स्टार्ट करता है। ये वेबसाइट बनानी सीख रहे होगे, ये जो आप सीख रहे हैं वो वेबसाइट बनाना ही सीख रहे हैं, मतलब आप जो अब सीखने वाले हैं उसका नाम है वेब डिज़ाइनिंग। क्या नाम है, वेब डिज़ाइनिंग। टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर हम एक बार सही से बता देंगे वेब डिज़ाइनिंग के बारे में। बॉडी स्टार्ट करते हैं, अब हमें एक लाइन डालनी है क्या, सेंटर में, क्या लिखनी है, सेंटर में लिखनी है काउ बड़ी बड़ी। तो अगर हमें सेंटर में लिखनी है तो हमें टैग स्टार्ट करना पड़ेगा क्या, सेंटर, और बड़े साइज में लिखना है तो टैग स्टार्ट करना पड़ेगा H2 या H1, क्योंकि H1 बहुत बड़ा हो जाएगा, हमने H2 डाल दिया। फिर हम लिखेंगे क्या, काउ, क्या लिखेंगे, काउ, और फिर लिखेंगे, फिर अब इनका काउ हेड ना लिखा, फिर क्या करेंगे H2 को क्लोज करेंगे, मतलब इसके बाद जो भी लिखा होगा उसके बाद H2 में नहीं आना चाहिए, H2 क्लोज और सेंटर क्लोज। अब काऊ से पहले, काऊ किन टैग के बीच में है, H2 स्टार्ट और H2 क्लोज के बीच में है, मतलब इसका फॉन्ट क्या होगा, हेडिंग 2 बताया था, सबसे बड़ी हेडिंग उसके बाद छोटी, और काऊ किसके बीच में, सेंटर स्टार्ट और सेंटर क्लोज के बीच में, सेंटर स्टार्ट और सेंटर क्लोज के बीच में है, मतलब कि काऊ है कहाँ लिखा होगा, पेज के सेंटर पे आएगा, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये टैग चलेगा। अब अगली लाइन में आ जाओ, अगली लाइन में हमें लिखना है बोल्ड में, सपोज करो आपको ये लाइन किस में लिखनी है, बोल्ड में लिखनी है मोटी, और ये लाइन लिखनी है हमें इटैलिक में, मतलब कि तिरछी। अगर इसको काऊ हेडिंग को आपको अंडरलाइन भी लगाना है तो आप एक टैग और लगा देंगे, वो टैग कौन सा, अंडरलाइन स्टार्ट और अंडरलाइन क्लोज,
तो इसके बीच में नीचे क्या आ जाएगी, यहाँ पर अंडरलाइन आ जाएगी। अब ये हेडिंग सेंटर क्या है, सेंटर मतलब बीचों बीच में है। जब आप एच टू स्टार्ट करेंगे तो साइज थोड़ा बड़ा रहेगा, और जब अंडरलाइन लगा अंडर टैग लगाएंगे तो अंडर वाला टैग क्या हो जाएगा, टेक्स्ट में क्या लग जाएगी, अंडरलाइन टैग लग जाएगा। अगली लाइन में आ जाओ, आपने यहाँ पे लिखा बोल्ड स्टार्ट किया बोल्ड को, काउ इज अ पेट एनिमल, तो काउ को क्या कर दिया, बोल्ड स्टार्ट किया था, लाइन हमारी खत्म हो गई, तो हम यहां पर क्या कर देंगे, बोल्ड को क्लोज कर देंगे। तो बोल्ड स्टार्ट से लेके बोल्ड क्लोज तक कैसा लिख के आएगा, कैसा लिख के आएगा, बोल्ड में। बोल्ड टैग स्टार्ट और बोल्ड टैग क्लोज के बीच में जो भी लिखा होगा वो कैसा लिख के आएगा, बोल्ड में लिख के आ जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए कि हमें अब अगली लाइन जो नेक्स्ट लाइन है वो हमें क्या स्टार्ट करनी, पे लाइन ब्रेक से स्टार्ट करनी। लाइन ब्रेक मतलब अगली लाइन से, वहाँ पर जब हम एंटर दबा देते हैं तो वो हो जाती है लाइन ब्रेक, वहाँ से लाइन रुक जाती है और अगली लाइन में हम सीधे जंप करके स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है फैजान, समझो अगली लाइन से हमें स्टार्ट करें। अब अगली लाइन में कैसे पहुँचते हैं, अगली लाइन में पहुँचने के लिए भी यहाँ पर आपको एक टैग देना पड़ेगा। BR टैग होता है ब्रेक, BR फॉर ब्रेक। ये टैग जैसे ही आप लगाओगे तो लाइन आपकी ब्रेक हो जाएगी, मतलब यहाँ से एनिमल के बाद लाइन हो गई कंप्लीट। अगली लाइन जो टैब होगी वो कहाँ से टैब होगी, ब्रेक से, नीचे से। अगर आपने ये टैग नहीं लगाया तो कैसे लिखेगा मालूम है, काउ इज अ पेट एनिमल फुल स्टॉप, फिर काउ हैज फोर लेग फुल स्टॉप, काउ हैज टू आइज फुल स्टॉप, काउ हैज, एक ही साथ में लिखता चला जाएगा। कब तक, जब तक आप उसको ब्रेक टैग नहीं दोगे। अगली लाइन को नेक्स्ट लाइन में पहुंचाने के लिए कौन सा टैग देते हैं हम, ब्रेक टैग। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, लाइन चेंज हो जाएगी। उसके बाद में फिर से वही चीज़, अब हमें इसको किस में लिखना है, इटैलिक में लिखना है। तो इटैलिक में लिखने के लिए इटैलिक टैग स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे काउ हैज फोर लेग्स फुल स्टॉप, और तुरंत इटैलिक को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। स्टार्टिंग का सिंबल होता है सीधे से ये, क्लोज का सिंबल होता है बस आपको ये लगाना है, ये आपका स्टार्ट हुआ है और ये आपका क्लोज हो गया, ये स्टार्टिंग टैग है और ये आपका क्लोज टैग है, समझ में आ गया। अब हमने यहाँ पर क्या स्टार्ट किया था, बॉडी स्टार्ट किया था, बॉडी को क्या कर देंगे, बॉडी क्लोज कर देंगे, और किसको स्टार्ट किया है, HTML स्टार्ट किया है, HTML को क्लोज कर देंगे। इस तरीके से हमारा क्या वो दिख नहीं रहा, तो HTML स्टार्ट करेंगे, HTML क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमने HTML बॉडी स्टार्ट किया था तो बॉडी को भी लास्ट में क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। स्टार्टिंग में HTML स्टार्ट किया था और लास्ट में HTML को क्या कर देते हैं, हम क्लोज कर देते हैं। इस तरीके से आपका प्रोग्राम नंबर 1 तैयार हो जाएगा। जब आप नोट पैड पर इस फाइल को इतना टाइप करने के बाद जब सेव करेंगे और उसको जब ओपन करके देखोगे तो कुछ इस तरीके का हमारा पेज दिखाई देगा। वो पेज आपका किस में खुलेगा, नंबर 1 गूगल क्रोम पे, या आपका ओपेरा मिनी जो ब्राउज़र कंप्यूटर में सेट होगा उस ब्राउज़र, वही ब्राउज़र ओपन होगा। ओपन होने के बाद एक पेज खुलेगा, पेज पे ऊपर साइड बोल्ड में, क्योंकि हेडिंग हमेशा कैसी रहती है, बोल्ड। यहाँ पर आपने बोल्ड लगाया कहीं नहीं लगाया ना, लेकिन आपने क्या लगाया, H2 लगाया। H2 मतलब बोल्ड और साइज भी बड़ा, हेडिंग हमेशा बोल्ड होती है तो H2 में बोल्ड भी रहता है, तो साइज बड़ा भी होगा और बोल्ड भी होगा। और आपने क्या लगाया है, अंडरलाइन टैग लगाया है, तो इसमें नीचे अंडरलाइन लगी होगी, और सेंटर लगाया तो पेज के सेंटर में होगा। फिर अगली में आपने
काउ इज अ पेट एनिमल, बोल्ड स्टार्ट किया, तो ये आपका ये लाइन आपकी कैसे लिख के आएगी, काउ इज ए पेट एनिमल। इसमें आपने इटैलिक किया है तो ये वाली लाइन आपकी तिरछी लिख के आएगी, कैसी, काउ हैज 4 legs। ठीक, तो ये हमारा है इनपुट और ये है आउटपुट। प्रोग्रामिंग हमारी क्या कहलाएगी, ये इनपुट है और ये आउटपुट होगा। समझ आ गया, समझ आ गया। अगला टॉपिक हमारा अगला प्रोग्राम नंबर अगली क्लास में होगा, बात करेंगे अगले टॉपिक पे कल। इतना उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लेना। थैंक यू क्लास।